अभी इसके अंदर जो खूबसूरती है वो ये है कि डिफरेंट जोन्स में जो अलग अलग व्यापार होंगे उसके हिसाब से ही शॉप्स के डिजाइन भी की गई है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। मतलब जैसे कि मैं आपको शॉप दिखाता हूं जी, अभी मैं आपको एक ज्वेलरी शॉप दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा था कि सबसे बड़ी खूबसूरती इसमें यह है ट्रेड के हिसाब से शॉप बनाई गई है। जैसे इस शॉप का टोटल हाइट 17 फीट है, इसकी ग्राउंड की जो ऊंचाई है वो 9.6 फीट है अगर आप देखेंगे तो, एंड इसकी मेजनाइन हाइट या इंटरमीडिएट फ्लोर की हाइट 7.6 फीट है। सो जो कि कंप्लीटली FSI अप्रूव्ड है। इसका मतलब फायदा ही फायदा है। दो चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है, एक तो प्राइवेसी, जहाँ पे कि अगर एक होलसेलर है आपका, एक व्यापार है जिसपे आप एक रिटेल व्यापार नीचे कर सकते हैं और आपकी जो होलसेल डील है वो आप ऊपर कर सकते हैं। और एक और महत्व की बात बताना चाहूँगा कि जैसे ज्वेलरी व्यापारी है उसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिक्योरिटी। बराबर, हमने उसका ध्यान पूरा रखा है। जो हमारे CCTV कैमराज हैं, जो कि टोटल और हमारा एक सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी हब है जहाँ से कि हम पूरी सिक्योरिटी कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा अगर हम इस पर्टिकुलर फ्लोर की बात करें तो इसमें 750 kg पर स्क्वायर फीट का स्ट्रेंथ दिया गया है इस फ्लोर को, जिसके कारण उसको इतना मजबूत बनाया गया है, जो कि एक ज्वेलरी व्यवसाय के लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डिस्प्ले सुद्धा दिसतो आहे, म्हणजे ऑर्नमेंट साठी इथे आणि इथे। बिल्कुल, म्हणजे जर आवश्यकता असल्यास तुम्ही त्यांना अशा पद्धतीचं इंटीरियर देऊ शकता किंवा ते स्वतःही करू शकतात। बिल्कुल, येस। ज्वेलरी शॉप तुम्ही पाहिला, अभी मैं आपको अपना मॉडल रूम दिखाने ले चलता हूं। अच्छा, आइए। मॉडल रूम में मैं आपको यहाँ के 5 जोन के बारे में बताऊंगा। 5 जोन यहाँ पे 5 जोन है जो कि 5 different व्यवसाय करेंगे। अच्छा। जैसे जोन ए, जहाँ पे कि फूड मार्केट होगा। अच्छा। जोन बी, जहाँ पे कि होमवेयर एंड हार्डवेयर मार्केट होगा। ओके, म्हणजे तुम्ही प्रत्येकाचे एक सेक्शन घेतलं आहे, सेक्शन किया हुआ है। जोन सी, जहाँ पे हम खाली कपड़ा व्यवसाय करेंगे। जोन डी, जहाँ पे कि ज्वेलरी व्यवसाय होगा। अच्छा। और जोन ई, जहाँ स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल और मिक्स्ड प्रोडक्ट का व्यवसाय हो सकता है। अरे वाह, मला बघायला आवडेल। आइए। ओ वाह, मस्त है। तो ये मैंने जैसे आपको बताया था जोन ए। आप किसी भी मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो होता है उसका उस तक पहुंचना। अच्छा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तक पहुंचना। आप देखेंगे जोन ए, जैसा मैंने आपको बताया, जोन बी, जोन सी, जोन डी एंड जोन ई, सारी जोन में एंट्री जो है वो आपको मेन रोड से ही मिलेगी। अच्छा, आपको हर एक जोन की एंट्री आप एक रोड से ही कर सकते हैं। जोन सेपरेट आहेत तरी पण त्यांना एंट्री मेन रोड पासून, मेन रोड से मिल जाएगा। इसके अलावा अब एक बार अगर इस मार्केट में आ गए, चाहे आप पैदल आए हों या किसी गाड़ी से आए हों या 2-व्हीलर से आए हों, इम्पॉर्टेंट है आपका पार्किंग। इसके अंदर हमने 6,000+ पार्किंग की व्यवस्था करी है। एक जोन से दूसरी जोन में जाने के लिए हमने 22 एस्केलेटर और करीब 6 पैसेंजर एलिवेटर्स की व्यवस्था करी है। सिक्योरिटी प्रॉपर हो उसके लिए 800 CCTV और 25 स्कैनर पॉइंट्स लगाए गए हैं। इस मार्केट में एग्जीक्यूटिव वॉशरूम्स, लेडीज, जेंट्स और दिव्यांगों के लिए भी अलग से वॉशरूम की व्यवस्था की गई है। करीब 400 वॉशरूम्स हैं। इसका मेन पैसेज अगर आप देखेंगे, मेन पैसेज करीब 10 फीट चौड़ा है, जिसमें एक बग्गी और 2 लोग आराम से क्रॉस कर सकते हैं। इस मार्केट में 3 लाख स्क्वायर फीट का वेयर हाउस भी है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना होलसेल व्यवसाय भी कर सकते हैं और साथ में वेयर हाउसिंग की भी व्यवस्था है, जो कि साथ में ही हमने इसका इसे बनाया है। खूबसूरती ये है
कि इस मार्केट में अगर आप एक बार आ गए तो करीब 500 लोगों के बैठ के खाने की व्यवस्था है, जो कि हमने एक रेस्टोरेंट स्पेस दिया है। जो दिखता है वो बिकता है। हमने यहाँ पे 20,000 स्क्वायर फिट का एक एग्जीबिशन सेंटर दिया है, जो कि व्यापारियों के लिए, उनके डिस्प्ले के लिए और उनके नए उत्पादन के डिस्प्ले के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसमें HVAC सिस्टम बेस्ड कूल चिलर्स हैं, 29 एंट्रेंस पर नो कॉन्टैक्ट सैनिटाइजेशन बूथ बनाए गए हैं। यहाँ पे जो भी मेटेलिक सरफेस है, जैसे कि नल हो, फ्लश हो या उनके हैंडल्स हो, उसके ऊपर एंटी माइक्रोबियल कोटिंग की गई है। कर्टेन वॉल सिस्टम्स हैं, स्मोक एक्सट्रैक्ट सिस्टम है और पार्किंग और वेयरहाउस में 5 सेंसर्स एंड स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं फायर सेफ्टी के लिए भी। तो आप ये समझ सकते हैं कि हेल्थ और सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है। जब हम बोलते हैं महा ट्रेड मार्केट, और जब मैं बोलता हूँ महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ट्रेड मार्केट, और जब मैं बोलता हूँ कि एक ही जगह पे 2000 ट्रेडर्स एक जगह जब बिजनेस करेंगे, तो ये तो नक्की है कि कोई भी व्यक्ति अगर पुणे आएगा तो इस ट्रेड मार्केट में ज़रूर आना चाहेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि 70,000 लोग एक दिन में यहाँ पे घूमने फिरने आएंगे, ऐसा हमारा अनुमान है।